हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन बताने जा रही हूं। इससे पहले भी इस टॉपिक पर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो में फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन ले रही हूं। क्वेश्चन है, फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स और वाई। डेटा गिवन है हमें, एक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4 है और वाई की वैल्यूज 46, 38, 22, 9 एंड 1 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मीन फाइंड करना होता है, क्योंकि फॉर्मूले में मीन डायरेक्टली यूज होता है एंड मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ पर वाई जो है वो फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहा है, तो इसलिए हमें समेशन एफ की जगह पर इन सब का सम करना है। तो 46 प्लस 38 प्लस 22 प्लस 9 प्लस 1 और ये सम 116 आ रहा है। और न्यूमरेटर में समेशन है f इंटू एक्स का, जो y है ये फ्रीक्वेंसी है, फंक्शन ऑफ x है, तो इस कारण से हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करेंगे। तो 0 इंटू 46 0, 1 इंटू 38 38 प्लस 22 इंटू 2 44 प्लस 3 इंटू 9 27 प्लस 4 इंटू 1 4। और इस सम को हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 113 अपॉन 116, जिसे डिवाइड करने से हमें मिलता है 0.974। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है r सक्सेसेस के लिए e रेस्ट टू पार माइनस m इंटू m रेस्ट टू पार r अपॉन r फैक्टोरियल, वेयर r विल वेरी फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू n सक्सेसेस। तो यहाँ पर हमें थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है और r के प्लेस पर x गिवन है, तो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए हमें इसे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करना होता है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम समेशन f से डिनोट करते हैं, तो समेशन f इज इक्वल टू n होता है। इस कारण से n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू e रेस्ट टू माइनस m m रेस्ट टू x अपॉन x फैक्टोरियल लिख लेंगे, जहां पर x की वैल्यू वेरी करेगी 0, 1, 2, 3 एंड 4, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो n की वैल्यू 116 है इंटू e रेस्ट टू माइनस m, m के प्लेस पर हमारे पास 0.974 है और m के प्लेस पर यहाँ भी 0.974 रख लेंगे। रेस्ट टू पार x अपॉन x फैक्टोरियल, इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 116 इंटू e रेस्ट टू माइनस 0.974, इसकी वैल्यू आती है 0.378। ये मैंने 3 डेसिमल प्लेस पर फिक्स की हुई है, इसे मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड किया है। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस फिक्स करना सीखना हो तो आप मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर के बेसिक फंक्शंस का वीडियो देख सकते हैं। इनटू 0.974 रेस्ट पार एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये क्वांटिटी सभी एक्सप्रेशंस में सेम रहेगी, तो इसे हम पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इट इज 43.848 इंटू 0.974 रेस्ट टू पार एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब वन बाय वन हम एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इसमें पुट करते जाते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलते जाएंगे। तो एन इंटू पी जीरो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी, इट इज 43.848। यहाँ पर 0.974 रेस्ट टू पार 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और किसी भी नंबर की रेस्ट टू पार 0 हो तो वो भी 1 होता है। इस कारण जो पहली थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है वो 43.848 आएगी। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 42.708। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 के लिए
20.799, x इज इक्वल टू 3 के लिए 6.753 एंड x इज इक्वल टू 4 के लिए 1.644, ये रिजल्ट आए हैं और दीज आर नोन एज थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या फ्रीक्वेंसी दी थी। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी थी 46, सेकेंड फ्रीक्वेंसी 38 थी, थर्ड 22, फोर्थ 9 एंड लास्ट वन वॉज 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज इन्हीं के आसपास मिल गई हैं। ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं और ये यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने फाइंड की हैं फ्रीक्वेंसीज वो हैं। इस तरह से हम आसानी से फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।